भारत ने आज अपना दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया है और जैश ए मोहम्मद को उसकी करतूत का पूरा जवाब देते हुए भारत की वायुसेना ने लगभग 300 आतंकवादियों को मार गिराया है। चारों तरफ देश में खुशियों का माहौल है, पूरे भारत में खुशियां मनाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के अतरौलिया में भी खुशियां मनाई जा रही हैं। आइए हम आपको सीधे लेकर चलते हैं अतरौलिया थाना क्षेत्र की दो जगहों पर, एक बरन चौक अतरौलिया पर और दूसरा भैरवपुर दरगाह में लेकर के आपको चलते हैं और वहां देखते हैं कि लोग, स्थानीय लोग किस तरह से अपनी खुशियां मना रहे हैं, किस तरह से वो अपने वीर सैनिकों को सैल्यूट कर रहे हैं, किस तरह से उनकी बहादुरी को नमन कर रहे हैं और एक स्वर में कह रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान को उसकी ही भाषा में जवाब दिया है और ये लगातार जारी रहना चाहिए जब तक कि आतंकवाद का नामो निशान नहीं मिट जाता। पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया, इसके बाद में क्या करें? जैसा कि 14 तारीख को पुलवामा में हुए आतंकी घटना में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने सीधे सीधे उन्होंने जनता को, सेना को छूट दिया था, तो आज हमारी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट टू करके वहां के आतंकी ठिकानों पर जो कार्रवाई की है, इससे पूरी देश की जनता और देश में माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी भारत देश के लोग पसीना गर्व से चौड़ा हो गया है और आगे कार्रवाई जारी रखनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी को। क्या मतलब अभी 200-300 से मरने की खबर है, क्या इसके बाद भी कार्रवाई जारी रहेगी? जब तक एक आतंकी सरजमी पे पाकिस्तान के जिंदा है तब तक लड़ाई जारी रहेगी। आतंक को नष्ट नाबूद कर देना है, उसके बाद ये लड़ाई बंद होगी। मैं ये कहना चाहूँगा कि वायुसेना ने जो काम किया काफ़ी दमदार काम किया है और मुझसे मैं ये चाहता हूँ कि वायुसेना के जो अभी काम जारी है अब जारी रहे और ये आतंकवादी सिर्फ ना इंडिया और पाकिस्तान ऐसी बात नहीं है, ये आतंकवाद कहीं से भी हो सारे मुल्क को सबको मिलकर एक साथ सामने आना चाहिए और आतंकवाद को जड़ से मिटा देना चाहिए। जब नरेंद्र मोदी ने जो अपना वादा किया उसको पूरा किया? हाँ, मोदी जी ने तो अपना वादा पूरा किया है और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी को कि आगे अपने वादे पे और भी और जब विश्वास को जनता के विश्वास को जीतना चाहिए। ये कब तक लड़ाई चलेगी? कुछ समय है कि कब तक स्ट्राइक चलेगा? नहीं, स्ट्राइक तो अभी कुछ उम्मीद कंफर्म नहीं, लेकिन स्ट्राइक तो ऐसे जारी रखना चाहिए उनको कब तक, जब तक कि आत्मसमर्पण पर करने आतंकवादी अपने पे आ न जाएं। ये मतलब कि हम हार मानते हैं। पाकिस्तान तो दिन ब दिन भारत को चेतावनी दे रहा है कि अगर हमसे लड़ेगा तो उसको हम एक मतलब जो है उसको जड़ से मिटा देंगे, क्या इस बात? ये इमरान खान की गीदड़ भक्ति उस काम नहीं चलेगा, ये देश डरने वाला नहीं है। 125 करोड़ की आबादी है, हम लोग इतने कमज़ोर नहीं हैं, उनसे ज़्यादा सारी शक्ति हम लोगों के पास है, उनसे ज़्यादा हर चीज़ें हम लोगों के पास है, उनसे ज़्यादा हथियार हम लोगों के पास है, उनसे ज़्यादा आवाम हम लोगों के पास है, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। सबका एक एक चीज़ों का करारा जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अगर ये सोच रहे हैं, अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान सोच रहे हैं कि हिंदुस्तान को हम डेरा धमका लेंगे, तो ये उनकी भूल है। वो चाइना और जो दूसरे मुल्क से उनको सपोर्ट मिल रहा है, वो लोग ये चीज़ जान ले, हिंदुस्तान किसी से कमज़ोर नहीं है, यहाँ की हर एक जनता को ज़रूरत पड़ेगी, पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार है। तो ये 10 से 12 दिन ले लिए स्ट्राइक करने में, इसमें क्या आतंक मार क्या तुरंत क्यों नहीं एक्शन ले सकता है? सरकार देखिए, सरकार ने सेना को खुली छूट दी गई थी, तो सेना अपनी जिस हिसाब से मौका देख रही थी, मौके की तलाश में थी, सब चीज़ देखना पड़ता है। 100% श्योर होने के बाद हम लोगों ने हमला करा था। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? बहुत ही सही और बहुत ही करारा जवाब दिया है। जिसे चुनाव से पहले 2014 के पहले जब हमारा कोई जवान शहीद होता था, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो मोदी जब सरकार गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जो बोलते थे
हमारा एक जवान शहीद होता था तो उसके बदले 10 सिर काट के लाना चाहिए था, तो आज उसका वो उन्होंने पूरा बदला ले लिया, उसको सही साबित कर दिया। हमारे जो 40 जवान शहीद हुए थे पुलवामा को 14 फरवरी को मात्र आज बरामा दिन उन्होंने जानदार शानदार सर्जिकल स्ट्राइक क्यों करके देखा जाए तो लगभग यदि सूचना मिली लगभग 400 आतंकवादी जैसे मोहम्मद के शहीद हुए हैं और बहुत ही करारा झटका मिला है, बल्कि पाकिस्तान बौखला गया है, वहाँ की संसद में बुरी तरीके से हंगामा हो रहा है, सेम टू का नारा लगा रहे हैं कि आप भी प्रहार करो, लेकिन और पाकिस्तान इमरान खान की मुर्दाबाद के नारे भी लग रहे हैं। और हमारी सरकार को मैं चाहता हूँ बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, उसने जैसा कहा और उसने वैसा ही किया, मुंहतोड़ जवाब दिया। क्या मोदी जी ने अपना वादा पूरा किया, इसके बाद जो भी किया अच्छा किया, क्या है मतलब अभी इसी घूम जाएगी हमला की नहीं, जैसा कि सरकार बोल रही है आज की जो राजस्थान में चुनाव हुआ था उन्होंने बोला कि इस अपने देश को कभी छूने नहीं दूंगा, रुकने नहीं दूंगा, और हकीकत में उन्होंने ऐसा साबित भी कर दिया। और जैसा कि बता रहे हैं कि अभी शुरुआत है, ट्रेलर है, अभी पिक्चर अभी आना बाकी है, यानी अभी आपको और भी ऐसे एक्शन सर्जिकल स्ट्राइक 2 या सर्जिकल 3 देखने को मिल जाएंगे, जो बहुत ही करारा एक कमर तोड़ के रख दी है हमारे जो एयरफोर्स के जवान थे, मैं उनको सल्यूट करूंगा जो आज उन्होंने बहुत ही, और सबसे बड़ी मेन चीज़ ये थी हमारी जो एयरफोर्स थी पूरी सुरक्षित वापस आ गई हमारे देश में, हमें एक भी नुकसान नहीं हुआ। और खास करके जो हमारा देश का इकलौता सेना जो हमेशा लोगों के ऊपर नरम दिखाती है, उन्होंने विशेष ध्यान रखा कि सिविलियन को कोई अटैक ना हो, कोई नुकसान ना हो, उसका पूरा ध्यान दिया। जो भी आतंकवादी जो मारे गए हैं सिर्फ आतंकवादी ही थे, इसमें एक भी सिविलियन शामिल नहीं था, और वहाँ के जो जैसा सूत्र बता रहे हैं इससे मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि ऐसे प्रधानमंत्री जो इस देश का है, मैं चाहता हूँ 2019 में भी वो इस प्रधानमंत्री जीत कराए और इसी तरीके से एक्शन लेता रहे। आपको क्या कहना है इसके बारे में, जो हमले हुए हैं तो की तरह मारते रहे और क्या कहेंगे हम पाकिस्तानियों को, नहीं बस हिंदुस्तान जिंदाबाद, मुर्दाबाद जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कुछ दिन पहले अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है, आज मोदी जी ने करके दिखाया, वाकई कुछ बड़ा करके दिखा दिया उन्होंने। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।